अगर मैं सीधा ही लूं तो ये कट नोट्स में आएगा, पर राग की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं है। राग की जो प्लेसमेंट ऑफ नोट है यानी ये जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है एक राग की, बढ़त की शास्त्र के हिसाब से, वो आना चाहिए। और वो ये है, चाहे उसको अलाप के अंग में आप ले लीजिए, जैसे मैं जोड़ में आता हूं तो देखिए कैसे आएगा। हर नोट का अलग 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 शेड आना चाहिए, उसकी प्लेसमेंट कितनी है, वो अगर दूसरे नोट के साथ आता है, ये सारा गुरु शिष्य परंपरा में ही बता जाता है, किताबों में रेफरेंस तो आ ही जाता है, लेकिन लगेगा कैसे तो वो तो सीना बसीना ही होता है कि साहब जब आप से पंचम पे आ जाओगे तो ये इस ढंग का लगना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स जो है, अगर आप सिर्फ टुक टुक ही करते रहे, टुन टुन करते रहे, जैसे जल तरंग में आ गया और थोड़े से बच गया, अब जो कुछ बच गया, तो उससे मन को तो ठीक लगेगा, हाँ भाई थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो राग की ग्रेविटी है, जो उसका ग्रैंड्योर है, जो हम कहते हैं हम राग बजाते नहीं है बल्कि राग का श्रृंगार करते हैं, उसका पूजा करते हैं, तो श्रृंगार कैसा फिर? श्रृंगार है कहाँ फिर? आप टुन टुन ही करते रहो पूरा दो घंटा तो ठीक है, जो सुनने वाले हैं उनको शायद या तो खबर नहीं है या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सुन सुन के, क्योंकि शास्त्रीय संगीत छूट नहीं देता जी आपको, वो नहीं मानता, वो ये कहता है कि जो कर रहे हो मेरे ढंग से चलो, तो उसको करते 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 जिंदगी निभ जाती है। जब आदमी रियलाइज करता करना क्या है, दिस इज द एंड ऑफ द गेम। इस वक्त अगर आप कश्मीर के संगीत को देखेंगे, इस कंट्री का रिचेस्ट फोक ट्रेडिशन है, वहाँ रिचेस्ट फोक ट्रेडिशन, आपको हजारों धुनें नजर आएंगी और वो धुनें बनाई हुई हैं मेरी। अगर ओरिजिनल भी कुछ कोई धुन थी जिनके अंतरे नहीं थे, सिथाई पे ही होता था, उनके अंतरे मैंने बांधे, जैसे ये गाना बताओ देखिए, अच्छा गाना, बड़ी अच्छी पुरानी एक मेलोडी है, उसमें अंतरा नहीं था, गाना ऐसे था, मस्बुगो सही रात के प्याल हनोज, मस्बुगो सही ओरिजिनल मेलोडी है, इसके वर्जन, मस्बुगो सही रात के प्याल हनोज, मस्बुगो सही रात के प्याल हनोज, मस्बुगो सही। अब अंतरा जो जुड़ गया, बड़ी ढल सुलूं
छल मुख में हाविना बड़ी डल सलू छल। ये जो धुन मैंने बांधी है ये भाव अंग से लेके इस शायर का जो इन्होंने बताया उस भाव को लेके ये अंतर मैंने खड़ा कर दिया है। और देखिए उसके बड़े डल चलम, ये जो डल है जिसमें रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली बदनसीबी की पानी जिसमें भर गया, चलम छल वो मुझे धोखा देके चला गया बड़े डल। अब ये डल तो पूरा ब्रह्मांड है जो अकासी कर रहा है शायर मुख में हाविना, अब वो दोबारा कब मुझे मिलेगा। खसविनी तेल बल ना रहे हो सब तेल भर एक और जगह है, तो मतलब इस तरह का उसका उपयोग चला गया पता नहीं कब आएगा। देखिए बड़े डल चलो छल मुख में हाविना बड़े डल चलो छल मुख में हाविना खसविनी तेल बल नाल इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जिनके अंतराज जोड़ दिए। कश्मीरी छकरी, छकरी में हमारा वॉइस कल्चर बड़ा डिफरेंट आता है, उसको न कजाकिस्तान से कोई लेना देना, न उसको ईरान से, न तेहरान से, न किसी भी तान से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ कश्मीरी अच्छल गाता है, वो थ्रो ही वैसा है। और पोइट्री कंसेप्ट लेके मेलोडिक स्ट्रक्चर्स लेके वो सिर्फ कश्मीरियत डिफाइन करता है, और उसके लिए जिस वक्त कंपोजिशन बनेगी तो बड़ी सोच समझ के बड़ी साइंटिफिक कंपोजिशंस बनती थी जो बनाता था मैं, और वो अब मर्जर उसमें हो गया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मैं सुनता हूँ। बहुत बड़े सूफी शायर हैं उनका एक कलाम है, कलाम में भाव ये है कि ललवन थोनम नार नार अगन, यानी उसने ये जो दर्द की अगन जो है उसको कंटिन्यू करके रखा मेरे अंदर और मेरा करार वो ले गया। ये इसका मफहूम है जिस्ट। ललून थोबु नमहाना ललुन थोव नमहला न्यूनम करार विसिए गुंडनम उशिकुलहाना न्यूनम करार विसिए ललुन थोव नमहला गच हो छो मंजिल दूर गच हो छो मंजिल दूर वन कस गया स्मजू गच हो छो मंजिल दू वन कस गयास मजबूर सतगो खुश कुन्हानार न्यूनम करार विसिए सतगो खुश कुन्हानार करार विसिए ललून थोव नमहना नम करार विसिए गुंडनम
कश कुन्हाला।